भारी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इस होली महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये पूरा राधा रानी मंदिर का परिसर जहां हजारों की तादाद में, हजारों नहीं कहेंगे मतलब कई हजारों की तादाद में भक्तजन हैं जो लड्डू होली का आनंद ले रहे हैं। ये मेरे पीछे राधा रानी मंदिर का मुख्य द्वार है। अभी हालांकि पट बंद है लेकिन लड्डू महोत्सव मनाया जा रहा है। छत से वो लोग लड्डू फेंक रहे हैं और उन्हीं लड्डू को भक्तगण ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद के रूप में। मथुरा के बरसाने से कुलदीप शर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। वही मथुरा के बरसाना स्थित श्रीजी मंदिर में होली महोत्सव कार्यक्रम का आज से आगाज हो गया। होली महोत्सव कार्यक्रम में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रीजी मंदिर पहुंचे होली के गीत और ब्रज की परंपराओं के अनुसार होली महोत्सव का आयोजन। मैं सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम अयोध्या नगरी से आए हैं और यहां पर मथुरा की होली की भव्यता का दीदार करने का भी मन था और अपनी कला का यहां पर प्रदर्शन करने का भी मन था। तो आए हैं, एंजॉय हो रहा है, सभी को बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और आशा करते हैं कि आप सबकी होली भी मंगलमय होगी। आज यहाँ मंदिर परिसर में लड्डू मार होली की शुरुआत हुई है। जमात है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जमात पर जो है गायन चल रहा है, जो ब्रज की प्रथा है उसके अनुरूप ये दो लोग हैं जो नंदगांव के हैं और ये निमंत्रण देने आए हैं राधा रानी को कि आप हमारे यहाँ पधारिए। उसी निमंत्रण के आधार पर कल कन्हैया जी आएंगे, परसों राधा जी के यहाँ से सखियाँ जाएंगी। तो आज जो है यहाँ निमंत्रण दिया जा रहा है और आमंत्रण कृष्ण के प्रतित्व के रूप में दो लोग यहाँ आए हैं। बाकायदा लड्डू से उनका स्वागत किया गया है जिसे लड्डू होली कहते हैं और कल लठामार होली होगी। मथुरा के बरसाने से कुलदीप शर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से हम लोग को बहुत ज्यादा एक प्रकार से काम भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और कई जगह हम लोग जाकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, रामपुर से खबर है।